ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला सोलन खेल विभाग द्वारा सोलन में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते सोलन के खेल प्रेमियों में आस जगी थी कि जल्द ही खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम मिल जाएगा। लेकिन गौर की बात यह है कि इस घोषणा को कई महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक इंडोर स्टेडियम की नींव तक नहीं रखी गई है। यही कारण है कि सोलन के खिलाड़ी बेहद हताशा महसूस कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जल्द ही सरकार जो घोषणा करके गई है उसे पूरा किया जाए और उनको यहां पर सभी सुविधाएं मिले। जिला खेल विभाग द्वारा सोलन में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके चलते सोलन के खेल प्रेमियों को आज जगी थी कि जल्द ही खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम मिल जाएगा। लेकिन गौरतलब है कि इस घोषणा को भी कई महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक इंडोर स्टेडियम का नीम पत्थर तक नहीं रखा गया है। यही कारण है कि सोलन के खिलाड़ी बेहद हताश हैं। उनकी मांग है कि जल्द ही सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है उन्हें बेसुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वे अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकें। खिलाड़ियों ने इस मौके पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि सोलन में केवल एक ही मैदान है जिसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक और सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यही नहीं, इस मैदान में सभी खेल एक साथ खेले जाते हैं, जिसकी वजह से वे अच्छी तरह से अपने खेल का अभ्यास नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर इंडोर स्टेडियम बन जाता है तो ज्यादातर खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा मिल जाएगी और वे अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए अच्छा अभ्यास कर पाएंगे। मेरा नाम मीनाक्षी है और यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस पे आते हैं। सर, यहाँ पे एक ही ग्राउंड है, सारे बच्चे यहीं पे खेलने आते हैं, तो हम चाहते हैं कि सर अगर इंडोर स्टेडियम बन जाए तो हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। सरकार को चाहिए सर कि जल्दी से जल्दी इंडोर स्टेडियम खोल दे, ताकि जैसे जिम वगैरह हो गया सर, किकी वगैरह, बैडमिंटन, सारे बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर, हम ये छोटे ग्राउंड में कई सालों से ऐसे प्रैक्टिस करने लगे, मतलब हम लोग इधर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी होता है, जैसे कभी सोलन में मेला वगैरह हो गया, सब कुछ सब इसी ग्राउंड में हो रहा है, तो इसी कारण इससे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग आगे स्टेट नेशनल खेलने के लिए हमारे यहाँ से सिलेक्शन होती है, पर सिलेक्शन होने के बाद जब यहाँ पे मेले मूल्य हो जाते तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे अगर हम इंडोर स्टेडियम बन जाए तो इससे हमारे को सुविधा, सबको अच्छा सुविधा मिलेगा, ताकि जो हमारे जो छोटे ग्राउंड में अगर कभी बुकिंग मेले मूले के टाइम में अगर हम नहीं कर पाए तो हम इंडोर के अंदर जाके अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सके, ताकि इससे एथलेटिक्स वगैरह जो है प्लेयर वगैरह सारे ग्राउंड में टच रहे और इससे आने वाले टाइम में सोलन का नाम अच्छा रोशन हो, इसलिए इंडोर स्टेडियम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।